अरे नहीं किटी, हमारा इंटरनेट कनेक्शन चला गया है। अरे नहीं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। हे दोस्तों, किटी और मैं हमारे दोस्तों को हैलोवीन पिक्चर्स भेज रहे थे, पर बदकिस्मती से हमारा इंटरनेट कनेक्शन चला गया। और मैं जानता हूं कि आपको पता है कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा एक मिनट, ये तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट क्या है और आखिर वो किस तरह से काम करता है? जरूर सोचा होगा। तो जब तक इंटरनेट कनेक्शन वापस आता है, हम चलते हैं इंटरनेट की दुनिया में कि ये कैसे काम करता है। ज़ूम इन। देखिए, जब मैं छोटा था, मुझे लगता था कि इंटरनेट कोई मैजिक ट्रिक है जिसे कुछ जादूगरों ने मिलकर बनाया है और बादलों से होकर गुजरता है। लेकिन जब मुझे इंटरनेट का असली मतलब पता चला, तब मैं समझा कि ये एक नेटवर्क है जो दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है। लेकिन जरूरी सवाल अभी भी वही रहता है कि ये काम कैसे करता है। सोचिए, आप और आपका कोई दोस्त आपस में कोई तस्वीर या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए पहली चीज जो चाहिए वो है कंप्यूटर, जो जुड़ा हुआ है एक नेटवर्क से, वो भी इंटरनेट की मदद से। फिर जब एक बार कनेक्शन हो गया, तब आप ब्राउजर की मदद से वेबसाइट पर जाते हैं, अपने अकाउंट में लॉगिन करके मैसेज लिखते हैं, या जो फाइल भेजनी है उसे अटैच करते हैं, और आखिरकार जब सब कुछ हो जाए, आप सेंड का बटन दबाते हैं और ये हो गया। आसान है ना ये? तो जो पहली नजर में देखने में आसान लगता है, उसके पीछे एक पेचीदा सिस्टम काम करता है। हाँ मेरे दोस्तों, जो मैसेजेस आप भेजते हैं उनका साइज असल में बहुत बड़ा होता है, और इंटरनेट के लिए इतना भारी सामान मंजिल तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसे आसान करने के लिए इस बड़े सामान को छोटे छोटे पैकेजेस में तोड़ा जाता है, और फिर वो आगे रिसीवर तक पहुंचाए जाते हैं एक बहुत ही जरूरी डिवाइस के जरिए, जिसे कहते हैं राउटर। अब ये राउटर क्या होता है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच डेटा पैकेट्स पहुंचाने का काम करता है। दूसरे शब्दों में, सेंडर से लेकर रिसीवर तक। मगर कैसे? देखिए, वो ऐसा कर पाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल या एक आईपी एड्रेस की मदद से। ओ नहीं, अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है? इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, मैं समझाता हूं। जिस तरह आपका एक होम एड्रेस होता है, ठीक वैसे ही हर सर्वर का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है, जिससे एक सिस्टम को बाकी कई सिस्टम्स पहचानते हैं। खुद भी इंटरनेट प्रोटोकॉल से जुड़कर जब पैकेट राउटर के पास पहुंचता है, तब उस पर मौजूद आईपी एड्रेस की जानकारी को राउटर पढ़ लेता है और सही रास्ते पर भेज देता है, जो कुछ रूल्स फॉलो करके मंजिल तक पहुंच जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, वैसे ही जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं हमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए, इंटरनेट के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिन्हें कहते हैं टीसीपी। टीसीपी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बने हैं इंटरनेट के लिए, एक डिवाइस से दूसरे तक डेटा पहुंचाने के लिए, और इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके डेटा बहुत ही सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, वो भी बिना किसी दिक्कत या रुकावट के। जब ये पैकेट्स आखिरकार रिसीवर के राउटर तक पहुंचते हैं,
वो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक साथ हो जाते हैं और इस तरह से आपके दोस्त के कंप्यूटर को आपका मैसेज मिल जाता है। और यकीन मानिए, ये सब कुछ बस चंद सेकंड्स के अंदर ही हो जाता है। है ना ये कमाल की बात दोस्तों? ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था? साथ ही माना जाता है कि दुनिया के 7 बिलियन लोगों में से 4 बिलियन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं और इंटरनेट की ही मदद से आप अपना पसंदीदा शो देख पाते हैं जिसका नाम है द डॉक्टर बायनॉक्स शो। उम्मीद है आज के एपिसोड में मजा आया होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बायनॉक्स, जूमिंग आउट। अरे फिर से चला गया।